शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? आपकी बेटी की उम्र का लड़का है वो। नहीं बेटा, वो सब सच नहीं है। मम्मी, नफरत करती हूँ मैं आपसे। आपकी बेटी होने से बेहतर होता कि मैं मर जाती। ये वारदात है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। 18 वर्षीय श्रुति अपनी मां निकिता के साथ रहती थी और अपनी मां से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया था कि मां के लिए बेटी का प्यार नफरत में बदल चुका था। माता पिता तो अपने बच्चों की भलाई, उनकी खुशी ही चाहते और इसके लिए वो खुद हजार दुख तकलीफ सहने को तैयार रहते। कैसे खड़ी हुई मां और बेटी के बीच ये दीवार, ये जानने के लिए आइए देखते हैं श्रुति और निकिता के जीवन में हुई कुछ महीनों पहले की घटनाएं। श्रुति कहाँ है तू? आज कॉलेज से जल्दी निकल गई क्या? मम्मी, मैं एक्चुअली एक फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ, आपको बताना भूल गई। I'm so sorry. अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, वैसे भी आज कॉलेज में ना एक स्टाफ मीटिंग है तो मुझे देर होगा। मेरे लिए रुकती तो तुझे भी वेट करना पड़ता। अच्छा सुन। जी मम्मी, मैं घर पे टाइम पे पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। हाय। ये तुम्हारे लिए। बैठिए ना, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. स्वाति, श्रुति आई है क्या वहाँ पर? नहीं आंटी, कॉलेज के बाद से मैंने उसे देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, शायद आ गई। We'll be right back.
मम्मा क्या हुआ, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? श्रुति कहाँ थी तू, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी। वो मम्मी स्वाति मुझे उसके घर लेके चली गई और मेरी फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई, सॉरी। मेरी अभी स्वाति से बात हुई है और उसने बोला कि आज वो तुमसे कॉलेज के बाद मिली तक नहीं। अब मुझे ये बताओ कि स्वाति मुझसे झूठ बोल रही थी या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? सॉरी मम्मा, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। पर क्यों बेटा? मैं डर गई, मुझे लगा आप मुझ पे गुस्सा करोगे, इसलिए डर के मारे मैंने स्वाति का नाम ले लिया। सॉरी। मतलब तो स्वाति के साथ नहीं, किसी और फ्रेंड के साथ थी, और वो फ्रेंड लड़की थी या लड़का? बॉयफ्रेंड। बेटा आई होप कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करोगी और दूसरी बात, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। मैं तुम्हारी सिर्फ मामा नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूं। मम्मी इस वक्त कहाँ जा सकती है? चली गई थी आप, पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। I'm so sorry मम्मी, अब मुझे रियलाइज हुआ कि उस रात जब मैं लेट आई थी तो अब गुस्सा क्यों हुई थी मुझ पे। लेकिन आप तो मुझे रात में अकेला नहीं छोड़ती ना, तो फिर आज क्यों? वो मेरी फ्रेंड के घर गई थी, बहुत जरूरी काम था। सच या झूठ? अरे मम्मी मैं मजाक कर रही थी। इनफैक्ट आई नो कि एक बार मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। निकिता की शादी के 5 साल बाद ही उसका डिवोर्स हो गया था। श्रुति उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी और तब से निकिता ने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। एक अकेली माँ के लिए यह काम बेहद मुश्किल और चुनौती भरा था। श्रुति ने बचपन से ही अपनी माँ का हर संघर्ष देखा और महसूस किया था, लिहाजा इन दोनों के रिश्ते की नींव बेहद मजबूत थी।
लेकिन जो निकिता अपनी बेटी को ये सीख दे रही थी कि कॉलेज में प्यार के चक्कर में पढ़कर अपना समय बर्बाद ना करे, कहीं वो खुद ही तो किसी ऐसे रिश्ते की गिरफ्त में नहीं आ गई थी? क्या उसने अपने ही कॉलेज के लड़के राहुल के साथ कोई ऐसा रिश्ता कायम कर लिया था? और अगर हाँ, तो फिर इतनी बड़ी बात उसने अपनी बेटी से क्यों छिपाई? कहीं निकिता को ये डर तो नहीं था कि इस रिश्ते का खुलासा होने से उसके और श्रुति के रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है? लेकिन ये खुलासा कभी ना कभी तो होना ही था। उस वक्त निकिता क्या करे? बेटा तुम ना घर जाओ, मेरी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है, मैं वो खत्म करके आती हूँ, ठीक है? मूवी चले आज? नहीं आदित्य, मेरी मम्मी ने कहा है कि मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अरे यार, तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ दो। हाँ लेकिन मैं तुमसे कॉलेज के बाहर नहीं मिल सकती। क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? देखो मेरी मम्मी कहती है कि ये उम्र सिर्फ पढ़ाई करने का है, इसलिए। उम्र तो उनकी भी नहीं है ऐसे लव अफेयर्स करने की। वो करे तो राइट और तुम करो तो रॉन्ग। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी मम्मी के बारे में इतना गंदा मजाक करने की? मुझे पता था तुम ये बात पे बिलीव नहीं करोगी, पर सच यही है। तुम्हारी रेस्पेक्टेड मम्मी और इस कॉलेज की रेस्पेक्टेड प्रोफेसर निकिता जी का इसी कॉलेज के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। आदि जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कोई। सुनो 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 सुनो, क्या कर रहे हो तुम? मैं दिखाता हूं तुम्हें, जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो राहुल, यार मुझे पता है वो वीडियो बहुत पर्सनल है तेरे लिए, पर बिलीव मी, मैं तेरी पर्सनल फीलिंग को हर्ट नहीं करूंगा। तू वो मुझे MMS भेज दे, मेरे प्यार और लाइफ का सवाल है। हाँ वेट, देखो क्या ये, क्या ये देखो। आंखें बंद करके आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हो। बोलो अब मैं रॉन्ग हूं या राइट? देखो ध्यान से, श्रुति जो कि अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी, वो आज निकिता का ये आपत्तिजनक MMS देखकर सख्ते में थी। एक पल में उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई थी। राहुल द्वारा भेजा गया ये MMS देखकर वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। अपने दोस्त आदित्य के मोबाइल पर ये शर्मसार कर देने वाला MMS देखकर श्रुति को अब ये डर भी सता रहा था कि कहीं राहुल ने कॉलेज के दूसरे दोस्तों को भी ये MMS ना भेज दिया। लेकिन कॉलेज में अब तक इस MMS को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी, लिहाजा उसे इतना तो इत्मीनान था कि ये MMS अब तक दूसरों के पास नहीं गया है। लेकिन अब सवाल ये था, इस MMS को देखने के बाद श्रुति अगला कदम क्या उठाएगी, और ये MMS श्रुति और निकिता के रिश्ते के बीच कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा? बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना आपको कि मैं इतनी देर से घर लौटी हूं, वो भी एक लड़के के साथ। आई ट्रस्ट यू, लेकिन मुझे आप पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा। ये किस तरह की बात कर रही हो अपनी मम्मा से? ये सिचुएशन आपने ही क्रिएट किया है। क्या मतलब है तुम्हारा, टेल मी क्लियरली। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, लेकिन आपका राहुल के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है? आदित्य तो मुझसे 2 या 3 साल बड़ा है, लेकिन राहुल, राहुल तो आपसे 15 साल छोटा है मम्मी, वो आप मुझे तो आप चुप करवा देंगी, लेकिन ये क्या है? ये झूठ है, ये सच नहीं है। किसने दिया ये वीडियो तुझे? इससे क्या फर्क पड़ता है, ये जान के आप सच को झूठ में तो नहीं बदल सकती ना। आपको अपनी आइडल मानती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि पापा ने आपको डिवोर्स क्यों दिया, क्योंकि आप ऐसी ही है, गंदी है आप।
बेटा तू जो समझ रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दे। वो राहुल बहुत ही बदतमीज लड़का है और वो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। How dare you? अपनी कॉलेज की प्रोफेसर के साथ ऐसी बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैम, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं जानता हूँ मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, but I love you. मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम प्लीज। आपको घर तक छोड़ देता हूं। अरे आप चिंता ना करें निकिता जी, मैं उसके फादर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैंने उन्हें उसकी कंप्लेंट भी की है और उन्हें चेतावनी भी दी है कि अगर इसके बाद राहुल ने आपसे बदतमीजी की तो हम उसे कॉलेज से निकाल देंगे। हेलो निकिता जी, मैं राहुल का फादर बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। नहीं, ये बातें फोन पर नहीं हो सकती। आप मेरे घर आ सकती हैं क्या? जी। ए मैम, आप अपने पापा को बोलो मैं आई हूँ। मैम एक्चुअली डैड अभी भी बाहर गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप चाहें तो अंदर आ सकती हैं। मैम आइए ना प्लीज। मैम प्लीज आइए ना, बैठिए इस तरफ। मैम मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मैम पानी। मैं डैड को कॉल करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे हैं। पता नहीं क्या बात है, डैड फोन ही नहीं उठा रहे। मैं कॉल पर ट्राई करता हूँ, आप पानी पीजिए ना। मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रही हूं ना वही सच है। राहुल ने पता नहीं पानी में क्या मिला दिया था और मुझे थोड़ी देर के लिए होश नहीं रहा और शायद वो वीडियो उसने उसी समय बनाया होगा। बेटा प्लीज मुझे गलत मत समझो और तुझे अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना तो तू कल मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में चलना। मैंने राहुल की कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से भी की थी। क्या बात है निकिता जी, आज अपनी बेटी के साथ मुझसे मिलने आई हो। सर वो बदतमीज राहुल,
मेरा वीडियो बनाकर अपने दोस्तों और मेरी बेटी को ये बता रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। सर प्लीज आप श्रुति को ये बताइए कि मैंने उसकी कंप्लेंट आपसे पहले भी की थी। ये क्या बोले जा रही हैं आपने किता जी? आपने राहुल की कंप्लेंट मुझसे पहले कब की है? सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ मैं नहीं, आप बोल रही हैं। देखो निकिता जी, अगर तुमसे अनजाने में कोई भूल हो गई है तो। सर मुझसे कोई भूल नहीं हुई, लेकिन चार दिन पुरानी बात आप जरूर भूल रहे हैं। देखो निकिता, झूठ बोलने से अच्छा है कि तुमसे जो गलती हो गई है उसे एक्सेप्ट कर लो और अपनी बेटी के सामने मुझे झूठा साबित करके खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं जबकि आप सब जानते हैं? देखो निकिता जी, तुम्हारी इस भूल के लिए मैं झूठ बोलकर कॉलेज की रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगा सकता। मेरा कोई रिश्ता नहीं है। श्रुति बिलीव मी, ऐसे रिएक्ट मत करो प्लीज। छुपाने के लिए आपने यहाँ पे भेजा ना? नहीं बेटा, राहुल ने ये जबरदस्ती भेजा था। श्रुति बिलीव मी, कब तक झूठ बोलेंगी आप? अगर आपको राहुल के साथ रिश्ता रखना है तो रखिए ना, लेकिन मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना आप कीजिए। नहीं बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? सब तेरे से झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप सच बोल रही है। और ये वीडियो पर विश्वास कैसे करूंगी मैं? मम्मी मैं बच्ची नहीं रही, सच और झूठ के बीच में फर्क समझ आता है मुझे। श्रुति की मनोदशा बेहद गंभीर थी। उसके सामने आई हर एक बात यही साबित कर रही थी कि उसकी मां निकिता और राहुल के बीच नाजायज संबंध थे। लेकिन निकिता इस आरोप का खंडन कर रही थी। उसका कहना था कि राहुल खुद उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और अब ये MMS बनाकर वो उसे बदनाम करने और फंसाने की साजिश रच रहा था। लेकिन सारे सबूत तो यही इशारा कर रहे थे कि निकिता झूठ बोल रही थी। और अब प्रिंसिपल के मना करने के बाद तो निकिता को खुद को बेकसूर साबित करने का कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर सच क्या था? क्या निकिता अपनी बेटी के सामने अच्छी बनने के लिए अपने और राहुल के रिश्ते से इनकार कर रही थी, या फिर वो वाकई सच बोल रही थी? और अगर वो सच बोल रही थी तो अब वो अपनी बेटी के सामने खुद को बेकसूर साबित करेगी कैसे? छोड़ो मुझे, क्या कर रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी मम्मी पे विश्वास करना चाहिए, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं।
मेरी मम्मी है। लगता है पिज्जा वाला आया, मैं लेकर आता हूं। जब से तूने श्रुति को उसकी मम्मी के बारे में बताया है, निकिता जी मुझे अवॉइड करने लगी है। आज तो अपनी बेटी के सामने ऐसे दिखावा किया जैसे मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं। मम्मी, खुद को सही साबित करने के लिए और कितना गिरेंगी आप? पहले तो आपने राहुल को खुद ही बुलाया और जब आपने मुझे देखा तो ये जताना चाहती है जैसे कि राहुल आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है। आए दिन मुझे अपने फ्रेंड्स के सामने आपकी वजह से इंबैलेंस होना पड़ता है। तंग आ चुकी हूं मैं सबसे, दम घुटता है मेरा। आज के बाद मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। श्रुति, श्रुति मेरी बात सुन, एक बार सुन ले बेटा। श्रुति ये क्या कर रही है? श्रुति, श्रुति आपको मुझ पे गुस्सा करने का हक हो चुके हैं। आप जैसी दोहरी जिंदगी जीने वाली और के साथ मैं नहीं रहना चाहती। श्रुति बेटा प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। श्रुति मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। एक बार बेटा बात तो मेरी सुन ले, सिर्फ दो मिनट दे मुझे। श्रुति एक बार बेटा, श्रुति, 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 श्रुति। बैठ। क्या हुआ, ऐसे लुटे हुए आशिक की तरह क्यों घूम रहा है? और यार क्या सेंटी मैसेज भेजा था तूने, वो भी एकदम टाइम पे। प्यार व्यार हो गया क्या तुझे निकिता जी से? अबे प्यार और मुझे अबे ऐसे घर के आसपास चक्कर मारने से तेरी प्रोफेसर निकिता जी नहीं पटने वाली, और चुपचाप हार मान के 10,000 रुपए मुझे दे दे, समझा? अबे साले, मैं आज तक तुझसे कोई शर्त नहीं हारा, और तू देखियो बहुत ही जल्द निकिता मेरी बाहों में होगी और 10,000 की गड्डी मेरी मुट्ठी में। अबे ये कौन है? ये अपने प्रोफेसर निकिता की बेटी है, अपने ही कॉलेज में पढ़ती है फर्स्ट ईयर में। इसे भी फंसा लूंगा, एक बार प्रोफेसर निकिता को पटा के तुझसे 10,000 तो ले लूं। नहीं नहीं भाई, इसको तो मैं ही पटाऊंगा। इसको? चल ठीक है, अगर तूने इसे पटा लिया ना तो मैं तुझे 10,000 नहीं 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तू नहीं पटा पाया तो तू मुझे 20,000 रुपए देगा। सोच ले। सोच लिया। डन डन। चल बेटा, शर्त तो तू जीत गया, लेकिन तू सिर्फ किस कर पाया है, और कुछ करने का गुदा नहीं था क्या तेरे में? अबे तो तूने श्रुति के साथ क्या कर लिया, अभी तक उसका हाथ तो पकड़ नहीं पाया तू। बेटा शर्त भी मैं जीतूंगा और वो 20,000 रुपए भी। बच्चू एक बात मत भूल, ये जो तू शर्त जीत रहा है ना, वो भी मेरी मदद से जीत रहा है। मैंने तुझे वो SMS भेजा था जिसकी वजह से श्रुति अपनी मम्मी को झूठा समझ रही है, समझा? क्या ना बेटा, प्यार और वॉर में सब चलता है, समझा? तू भी बदले यार। राहुल और आदित्य के बीच लगी ये शर्त इस बात को साबित करती है कि हमारे समाज में कुछ लोग कितने संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। निकिता और श्रुति की भावनाएं, उनका सम्मान, उनकी जिंदगी, इन दोनों लड़कों के लिए महज एक शर्त का खेल बन चुकी थी। राहुल और आदित्य ने जिस बात की शर्त लगाई थी वो महज उनकी घिनौनी मानसिकता की परिचायक थी। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं थी कि उनकी ये हरकत निकिता और श्रुति के प्यार भरे रिश्ते को कितनी गहरी चोट पहुंचा रही थी।
शर्म आती है ये सोचकर कि हवस में ये दोनों लड़के किस हैवानियत पर उतर आए थे। क्या इन दोनों की साजिश से बेखबर श्रुति भी इनकी शिकार बन जाएगी? क्या इनकी साजिश का कभी भी खुलासा हो पाएगा? क्या निकिता खुद को अपनी बेटी के सामने कभी बेकसूर साबित कर पाएगी? अबे तेरे लिए वो अपनी माँ का घर कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए हार मान ले और दे दे मुझे 20,000 रुपए। चल निकाल। बेटा 20,000 तो तू मुझे अब देगा, ये वही है, समझा? अब एक काम कर, तू जल्दी से छुप जा, अगर उसने देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा। चल चल। श्रुति तुम? क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ? हाँ हाँ, अंदर आओ। पर हुआ क्या? मैंने अपनी माँ का घर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर। तुम मुझे अपना बेडरूम क्यों दे रहे हो? मैं हॉल में एडजस्ट कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ सो जाओ, मैं हॉल में सो जाता हूँ। हाँ इट्स ओके। ये तो घर तक चली गई, तू तो ग्रेट है यार। अरे यार ये आ तो गई है, लेकिन आज ना ये कुछ करने नहीं देगी। लेकिन आज नहीं तो कल ना मैं इसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा यार, समझा? सिर्फ आपकी वजह से आज मेरी बेटी ने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया आपकी झूठ की वजह से। देखो निकिता, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता कि तुमने राहुल की कंप्लेंट की थी और कोई एक्शन नहीं हुआ तो मेरी नौकरी पर बात आ जाती। सर इतना बड़ा झूठ आपने अपनी नौकरी बचाने के लिए बोला। सर एक बार मेरी बेटी के सामने आप प्लीज सच सच बता दीजिए। ये तुम माँ बेटी के बीच में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं उसे कुछ बोलने वाला हूँ, तुम उसे समझाओ ना। निकिता की बेटी श्रुति उससे दूर जा चुकी थी। निकिता बिल्कुल अकेली पड़ गई और वो इतनी मजबूर थी कि कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने साथ हुई नाइंसाफी से लड़ने के लिए वो अब तक पुलिस के पास भी नहीं गई थी और यहीं उसने सबसे बड़ी असावधानी की। अगर उसने पहले ही पुलिस में इस अपराध की शिकायत दर्ज की होती तो आज उसकी बेटी श्रुति आदित्य जैसे गलत लड़के के हाथ में ना पड़ती। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि कॉलेज प्रिंसिपल, जिनका फर्ज था कॉलेज में हो रहे अपराध को रोकना, वो अपनी नौकरी और कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए अपने ही कॉलेज की एक टीचर निकिता और उनकी बेटी श्रुति, जो कि खुद इस कॉलेज की स्टूडेंट थी, उनकी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार थे। अपने स्वार्थ में इंसान किस हद तक गिर सकता है ये सोचकर भी अफसोस होता है। आदित्य और राहुल के इरादे बेहद खतरनाक थे। श्रुति को आदित्य के घर में रहते हुए 2 दिन बीत चुके थे। अब तक आदित्य अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन यह खतरा हर पल श्रुति पर मंडरा रहा था। क्या निकिता खुद पर लगे लांछन को मिटाने के साथ अपनी बेटी को भी आदित्य और राहुल के चंगुल से छुड़ा पाएगी? अबे साले, तू मुझे भाषण सुना रहा था? अबे मैंने कम से कम किस तो किया, तुझसे तो पप्पी भी नहीं ली गई। क्या करूं मेरे भाई, वो साली हाथ भी नहीं रखने देती, लेकिन मैं ना ऐसे हार नहीं मानने वाला। आज कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा मैं। पक्का? पक्का। बेस्ट ऑफ लक भाई, बेस्ट ऑफ। चल चल चल, आ जा। ये लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसको खाओ और इसको भी पियो। शर्मा क्यों रही हो तुम?
इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, लो पियो इसको। क्यों कर रहा है? तुझे तेरी शर्त के 20,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो बेचकर मुझे 2,00,000 रुपए मिलेंगे, समझा? तू घबरा मत, तेरा फेस नहीं आएगा, तू बस लगा रहे। अबे इस वक्त कौन है बे? पहले इसको छिपाते, मैं देखता हूँ, चल 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 चल। अरे यहाँ नहीं है श्रुति। अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अरे नहीं है श्रुति। सर मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ है मेरी बेटी? अरे वो यहाँ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा हाथ छोड़। सर ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, कोई नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे यहाँ कोई नहीं है सर। अरे मेरा हाथ छोड़ो। अरे अरे मैंने क्या किया? अरे मेरा हाथ छोड़ो, यहाँ नहीं है श्रुति। बता लड़की कहाँ है? मैंने आपको बोला ना यहाँ कोई लड़की नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कॉलेज में ट्यून ने मुझे सब बता दिया है। अभी पता चल जाएगा। रिंग हो रहा है, ये श्रुति की रिंग की आवाज है। आंखें खोल बेटा, श्रुति, श्रुति। श्रुति। सर, 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 हम दोनों में शर्त लगी थी सर कि मैं माँ को बताऊंगा और ये बेटी को सर। अब सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। एक स्टूडेंट होकर अपनी टीचर के साथ ये सब किया तुम लोगों ने? सर निकिता जी ने जाके मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल को कर दी सर, और प्रिंसिपल ने मेरे डैड को सब कुछ बता दिया। मुझे उनसे बदला लेना था सर, इसलिए मैंने अपने डैड की आवाज में उनको फोन करके घर पे बुलाया। अरे मैम आप अपने पापा को बोलो मैं आई हूँ। मैम एक्चुअली डैड अभी अभी बाहर गए, आप चाहें तो अंदर आ सकती हैं। मैम मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। और उनको पानी में
पानी में नशे की दवाई मिला के उनको बेहोश कर दिया। और बेहोशी की हालत में सर मैंने ये एमएमएस बनाया सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो जो माफ कर दिया जाए। जुर्म किया है तुम लोग ने, मुजरिम हो, इसकी सजा जरूर मिलेगी। इन जानवरों की बातों में आके मैंने आप पे शक किया, कितनी गंदी गंदी बातें कही आपसे, मुझे माफ कर दो मम्मी, वेरी सॉरी। एक मामूली सी शर्त को पूरा करने के लिए राहुल और आदित्य अपराधी बन गए। उन्होंने निकिता का आपत्तिजनक एमएमएस तो बनाया ही, अब वो श्रुति का भी एक अश्लील एमएमएस बनाने जा रहे थे। लेकिन श्रुति की मां निकिता ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत बचाई बल्कि इन दोनों अपराधियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। आदित्य और राहुल को उनके किए की सजा तो मिल गई, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है, दुख भी होता है कि लोगों की संवेदना किस कदर मरती जा रही है। महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और ज्यादातर मामलों में दोषी महिलाओं को ही ठहराया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि शिक्षित होने के बावजूद महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है। जिस निकिता ने इतने जतन से अपनी बेटी को पाला पोसा, उसे प्यार दिया, नैतिक मूल्यों की समझ दी, उसी बेटी की नजरों में समाज ने निकिता को दोषी बना दिया। आज जरूरत है बदलाव की, सोच के बदलाव की, तभी महिलाओं के साथ होने वाले इन अपराधों का सिलसिला रुक पाएगा। उम्मीद करते हैं कि हम सब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।